हेलो, आई हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ भी मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस। और ये देखिए, आज मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं घर पे बैठी हूँ, मम्मा झाड़ू लगा रही हैं और मैं बैठी हुई हूँ। झाड़ू क्या लगा रही हूँ, उन्होंने गमले में मिट्टी डाली थी अपनी, वो लगाई थी सेम फली की बेल। तो मम्मा आप उठा रही हैं मिट्टी, खाद डाल के सेम फली लगाई थी। इस बार उन्होंने फिर लगाई है सेम फली की बेल खाद डाल के, तो वो मिट्टी थी तो वही उठा रही हैं। और मैं आज ही घर पहुंची हूँ। बहुत खुश, मतलब बहुत हैप्पी हूँ। हैप्पी तो होंगी क्योंकि मैं अपने घर आ चुकी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो मेरा घर, और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा, बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हवा तो चल रही है लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। दीदी ने मेहंदी लगाई है आज, और हम लोग काटने वाले हैं सब्जी तुरई की। और जो जो गर्मी की वजह से अंदर बैठा हुआ है, और देखिए गाइस, ये देखिए, आज मैं काटने वाली हूँ अपनी हल्द्वानी की। कन्नू कैसे हो? ये देखो जो जो इधर आओ, जो जो इधर आओ, बैठी है और हम बैठे हैं सब लोग। अन्नू आई हुई है घर पे। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हालत डाउन है। जो जो इधर आ, देखो गाइस, आज हम करने वाले हैं तुरइयों को हलाल। और तुरइयाँ इतनी सारी हो रही थी तो मैं ले आई हल्द्वानी से तुरई। तुरई ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी ले आई। मैंने कहा इतना तो नजर ले आती हूँ। और यहाँ पे बैठी हूँ, और रक्षाबंधन आने वाली है, और लड्डू मेरा आने वाला है बहुत जल्द। रक्षाबंधन पे तो और भी अच्छा लगेगा, और मस्त लग रहा है एकदम से। और अभी तो हम काट रहे हैं सब्जी यहाँ पे बैठ के। अभी मेरा जोजो कहाँ है? जोजो कहाँ है? जोजो जोजो कहाँ है यार? जोजो अंदर गया? जोजो गर्मी की वजह से पंखे में बैठा है अंदर, और हम तो बैठे हैं बाहर, बिल्कुल हवा चल रही है। ये फूल हैं खाली? हाँ, अभी एक फूल तो झड़ गया। वो पहले भी तो आए थे फूल। अनार में फूल तो आ रहा है लेकिन फल नहीं आ रहा है। टाइमिंग लगेगी ना, तभी तो कह रहे हैं फल आता ना। आपकी तुम्हें ये है, तुम्हें फूल दिखाई दे गया है, फल तुम्हें मिलेगा। पत्ते तो अच्छे हो रहे हैं, पत्ते। ये देखो गाइस, कितने अच्छे मेरे अरबी के पत्ते हो रहे हैं, बहुत सुंदर हो रहा है। और अनार में दो फूल आ चुके हैं स्टार्टिंग, वो छोटे छोटे रेड रेड से। अब हम अनार भी खाएंगे, और अरबी के पत्ते बड़े शानदार हो रहा है। मेरे कनेर का फूल भी बड़ा मस्त हो रहा है। और ये देखिए अरबी के पत्ते, ये देखिए गाइस, कितने अच्छे अरबी के पत्ते हो रहे हैं। फूल ये लगाया है मम्मा ने सेमी का बेल यहाँ पे। अब सेमी भी खाना। और हमारे नींबू कुछ इस तरह बड़े हो रहे हैं। ये नींबू भी आ चुके हैं, पहले ही आ गए थे जब मैं आई थी, लेकिन छोटे थे। अब तो बड़े हो गए हैं नींबू। इधर अरबी के पत्ते लगे हैं, और ये ट्रैक्टर खड़ा है हमारा। ये भाई साहब खड़ा करके गए हैं ट्रैक्टर हमारा। ये ट्रैक्टर, ये देखो, किसी से हमारी किसानी होती है, भाई साहब करते हैं, बड़े भाई साहब। और ये ट्रैक्टर यहाँ पे रखा है क्योंकि घर पे फर्श डली है, तो भाई साहब यहाँ पे रख के गए हैं ट्रैक्टर। और यहाँ पे दिखाती हूँ आपको लीची का पेड़। लीची का पेड़ हमारा इस तरह ग्रोथ आ रही है, और काफ़ी अच्छा चल रहा है लीची का पेड़। और बेल हमारी अंगूर की इस तरह फैल गई है कि
कि यहाँ तक पहुँच गई है, यहाँ से बेल ऊपर चढ़ गई है जाके, काफ़ी बेल चढ़ गई है। और यहाँ पे मेरा जो जो मस्त घूम रहा है, हाँप रहा है, तो इसको गर्मी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। और मेरा जो जा इस तरह हाँपे जा रहा है, हाँपे जा रहा है, जो लीची का पेड़ टूट जाएगा। ये देखिए पपीता का पेड़ भी हो चुका है, और ये मेरे मोरपंखी के पेड़ भी हो चुके हैं। मैंने बीज डाले थे, ये पौधे हो चुके हैं मोरपंखी के, ये मैं बीज डाल कर गई थी यहाँ पे। और मेरी बेल अच्छी चल रही है बिल्कुल मस्त यहाँ पे। और मेरा जोजो तो इतना बेचारा यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है मेरा जोजो। जोजो जोजो और देखो कनेर का पेड़ कितना बढ़िया हो रहा है। सिद्धू को कनेर बहुत पसंद है, और हमारा कनेर इतना बड़ा हो चुका है। ये लाई थी तिपोला से, रेड वाला कनेर है, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। और यहाँ पे मिर्ची भी लग रही है, मिर्ची लग रही है, ये देखिए ये मिर्च भी लग रही है हमारी। और पहले तो नींबू छोटा था, अब काफ़ी बड़ा हो चुका है नींबू, क्योंकि ये बड़े वाले नींबू हैं। और जोजो को बिल्कुल गर्मी नहीं बर्दाश्त है, जोजो अपना मस्त बैठा हुआ है। जोजो आप अंदर किसी को नहीं जाने दोगे? जोजो आज बना है चौकीदार, क्योंकि घर में कोई नहीं है, कुंडा लगा है बाहर से। और मेरा जोजो बिल्कुल गार्ड बना हुआ है, कोई भी अगर आएगा तो सीधे अटैक कर देगा पिछवाड़े पे। और यहाँ देखिए मेरा जोजो एकदम से गर्मी की वजह से बैठा हुआ है, जीभ निकाल रहा है, क्योंकि इसको गर्मी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है, हवा चल रही है। और जोजो बिल्कुल अपनी मालकिन का कहना मान रहा है, मम्मा गई हैं बाहर, और जोजो अपने घर की देखभाल कर रहा है। जोजो आप किसी को आने मत देना, ठीक है? और जैसे ही कोई आता है तो हमें फौरन बताना। आराम से जोजो बैठा हुआ है, अपनी गार्ड की नौकरी कर रहा है। जोजो को मिल गई है जॉब गार्ड की, और इसके पास गन वगैरह तो है नहीं, ये विदाउट गन के ही जॉब कर रहा है हमारा जोजो। और आराम से जोजो बैठा हुआ है, अभी कोई आता है गेट पे फौरन भागेगा, गेट पे फौरन भागा गेट पे एकदम से, कोई भी अगर उसको आहट मिल जाती है फौरन भागता है गेट पे। उसको लग रहा था कि कोई है गेट पे तो फौरन भागा। मेरा जोजो बहुत होशियार है एकदम से, जैसे उसको लगता है कि कोई है गेट पे वैसे ही फौरन जाता है और नीचे से भौंकने लगता है देख के। कौन आया, कौन आया? हाँ तो मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश नहीं हुई थी आज? हुई थी सुबह मॉर्निंग में, हुई थी ना यहाँ पे। और दीदी ने लगाए सर पे मेहंदी, और चावल साफ कर रही हैं अभी, शाम को बहुत ही जल्दी तैयारी होने लगती है खाने पीने की, क्योंकि सब्जी काट के रख दी। और दीदी चावल साफ कर रही हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ शाम को भी चावल बनते हैं, क्योंकि मम्मा चावल के बिना नहीं रह सकती, बोले तो उन्हें रोटी बहुत कम, मतलब शाम को कम खाती हैं, और चावल आराम से खा लेती हैं, क्योंकि दांतों में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए चावल हमारे यहाँ सुबह शाम बनते हैं। बिल्कुल रोटियाँ भी बनती हैं, चावल भी बनते हैं, जिसे चावल खाना होता है वो चावल खा सकता है, और जिसे रोटी खानी होती है तो वो रोटी खा सकता है। और अभी तो जब हमारा लड्डू आ जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा हमें तो। ये देखो गाइस मम्मा आई हैं अभी कुरकुरा लेके मेरे लिए, और मैं अब छोटो को खिलाने वाली हूँ कुरकुरे। और यहाँ पे अभी आई हैं दुकान से,
और ये ब्लाउज लेके आए हैं टेलर के यहाँ पे, काफी अच्छे ब्लाउज सिले हैं। कुर्ता का आप भी खा लीजिए गाइस। जो जो चल घूमने।